जितने भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल चाणक्य स्टडी पॉइंट को देख रहे हैं, आप सारे लोगों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा या फिर नहीं भी पता है, तो मैं जो है आप सबको आज फुल डिटेल्स देने वाला हूँ मैट्रिक व इंटर एग्ज़ाम का जो है फॉर्म जो भरने जा रहा है उसके बारे में। जो लोग 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसका जो है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप होने वाला है, ठीक है, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप होने वाला, उसी के रिगार्डिंग जो है यह वीडियो है। तो आप सबको क्या करना है, इस चैनल से जुड़े रहना है, ठीक है। दूसरी बात जो है, आप हमारे यूट्यूब और यूट्यूब के साथ साथ जो है व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, ताकि आपको जो है जो भी सबसे पहले अपडेट आए वो आपको पता चल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस न्यूज़ को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको फॉर्म को दिखाऊंगा भी, ओरिजिनल फॉर्म को, ठीक है, इलेवंथ का हो, आर्ट साइंस कॉमर्स का हो, ठीक है, इंटरमीडिएट का, आर्ट साइंस कॉमर्स और मैट्रिक का भी फॉर्म को आपको मैं दिखाने वाला हूँ। उसमें कौन कौन सी डिटेल्स लगेगी, ठीक है, या फिर जो है उस फॉर्म में आपको कौन कौन सी डिटेल्स डालनी है, ये इन सारे चीज़ों पर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपको अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखना है, ठीक है। तो चलिए आज देखिए, यहाँ पर जो है आज से भरे जाएंगे मैट्रिक व इंटर परीक्षा 2025 एग्ज़ाम के फॉर्म, ठीक है। बीएसईबी ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की तिथि की घोषित, ठीक है, ये पटना का न्यूज़ से आया है, ठीक है। 2025 के लिए देखिए मैट्रिक परीक्षा फॉर्म 11 से 27 सितंबर, ठीक है, 11 से कब तक आपका, 11 सितंबर से जो है 27 सितंबर जो है मैट्रिक का फॉर्म भरा जाएगा। उसी तरह जो है जिसमें जो है शुल्क जमा आप लोग कब तक कर सकते हैं, 11 से 24 तक फॉर्म कब तक भर सकते हैं, 11 से 27 तक, लेकिन शुल्क आपको पहले जमा करना पड़ेगा 11 से लेके 24 तक, ठीक है। अब बात होगा कि शुल्क लगेगा कितना, ठीक है, जो सामान्य क्वालिटी से आते हैं जनरल से, ठीक है, जनरल या फिर ओबीसी, इसको लगेगा आपको 1010 रुपये, ठीक है, इसको कितना लगेगा, 1010 रुपये। और अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको लगेगा जो है आपको लगेगा 895 रुपये फॉर्म फिलअप करने में, ये एग्जामिनेशन फॉर्म है, ठीक है। तो आपको और भी डिटेल्स के लिए कहाँ जाना होगा, तो देखिए यहाँ पे वेबसाइट भी दिया हुआ है, ठीक है, secondaryboardonline.com, ये मैं आपको इस वेबसाइट पर भी लेकर चलूँगा अभी और पूरी जानकारी दूंगा, ठीक है। आधार नहीं है तो कॉलम 17 भरना जरूरी, ठीक है, आधार नहीं है तो कॉलम 17 भरना जरूरी। अब कॉलम 17 क्या है वो भी हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है, आप लोगों को इस वीडियो में पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, 25 तक भरे जाएंगे इंटर के फॉर्म, ठीक है, 11 से 25 तक, 11 से 22 तक जो है जमा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इंटर के लिए कुल रुपये जो है 1400 देने पड़ेंगे, ठीक है, मैट्रिक के लिए कितना था, 1010 रुपये, और इंटर के लिए 1400 रुपये, ठीक है। एग्ज़ाम 11 से सितंबर तक भरा जाएगा, ठीक है, शुल्क 11 से 24 रुपया, 1010 और 100 895, ये किसके लिए हो गया, ये मैट्रिक के लिए, और इंटर के लिए 11 से 25 तक फॉर्म भरा जाएगा। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप लोग कमेंट के जरिए बता सकते हैं, तो मैं जो है उससे जो है उसे करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। तो 1400 रुपये आपको इंटर के लिए देना होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखिए उसी तरीके का जो है यहाँ पर भी दिया गया है, आज से भरे जाएंगे मैट्रिक परीक्षा इंटर मैट्रिक परीक्षा का फॉर्म, ठीक है, 25 व 27 मैट्रिक के लिए, कब, मैट्रिक के लिए 25 और 27 जो है इंटर के लिए 25 और मैट्रिक के लिए 27, ठीक है, ये लास्ट डेट है। यहाँ पे भी वही है, 1400 रुपया और 1010 रुपया आपका लगेगा मैट्रिक और इंटर के लिए, ठीक है। चलिए अब मैं जो है आपको दिखा देता हूँ कि फॉर्म कैसा रहने वाला है और उसमें कौन कौन सी डिटेल्स आपको भरनी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं फॉर्म पे, यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप भी सारा जानकारी ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है आपका 0612, ठीक है, 223, ठीक है, 2074, ये है आपका हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। चलिए अब मैं आपको सीधे फॉर्म में ले चलता हूँ, यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे वही है मैट्रिक इंटर परीक्षा फॉर्म आज से भरे जाएंगे, ठीक है, ये सारी डिटेल्स जो है मैंने आपको दे दिया है। अब चलिए सबसे पहले देखते हैं इंटर आर्ट्स वाला का फॉर्म, ये देखिए आपके सामने जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन फॉर्म पटना का जो है फैकल्टी आर्ट्स, ठीक है, आर्ट्स फैकल्टी का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन अप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2025, एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के लिए फॉर्म जो है वो खुलकर आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसमें एक एक करके जो है देखेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, कौन कौन से आपकी डिटेल्स लगेगी, ठीक है, उन सारे चीज़ों को जो है इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले। सबसे पहले देख लेते हैं यह फॉर्म किसके लिए है, ठीक है, फॉर एक्स रेगुलर कंपार्टमेंटल,
ठीक है, इम्प्रूवमेंट एंड क्वालिफाइंग कैटेगरी एलिजिबल स्टूडेंट ऑफ सेशन पीरियड, ठीक है, 2023 से 25, जो भी लोग 2023 से 25 के लिए हैं, ठीक है, 23 में जिनका एडमिशन हुआ था और 25 में जो है वो एग्ज़ाम देंगे, तो वो सारा जो है इसमें एलिजिबल है। ठीक है, चलिए अब डिटेल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे पूछा गया आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईयर, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना जो भी होगा वो भर देना है। ठीक है, कुछ भी मैंने एग्जांपल के लिए भर दिया है। ठीक है, BSEB यूनिक आईडी, ऑनलाइन आपका जब भी खुलता होगा तो उसमें आपको एक यूनिक आईडी पासवर्ड दिया जाता है, तो उस आईडी को आपको यहाँ पे भर देना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्टूडेंट कैटेगरी, कैटेगरी आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, कॉलेज प्लस टू कोड, कॉलेज का जो है कोड यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद कॉलेज का नाम, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है, मेरे कॉलेज का नाम मान लीजिए पूर्णिया कॉलेज है। ठीक है, तो वहाँ पे मैं पूर्णिया कॉलेज ऑफ जो भी है वो नाम आपको दे देना है। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट नेम डालना है, तो जैसे मैं पूर्णिया से हूँ तो मैं यहाँ पे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट डाल दूंगा, आप लोग जो भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट को डाल दें। अब 7 नंबर में आता है आपका जो है स्टूडेंट नेम। ठीक है, स्टूडेंट नेम में, ठीक है, स्टूडेंट नेम में अपना कैपिटल में सब कुछ डालने का कोशिश कीजिए, कैपिटल में। ठीक है, जो भी आपका नाम है उसको जो है कैपिटल में डालिए। ठीक है, उसी तरह जो है मदर्स नेम में भी कैपिटल में डालिए, फादर्स नेम में भी अपना पापा का नाम डालिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में डालना है आपको, जैसे मान लीजिए 1/1/2005 है किसी का डेट ऑफ बर्थ, तो आपको इस तरीके से फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैट्रिक क्लास पार्सिंग बोर्ड, ये इंटर के लिए। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया किसके लिए है, आर्ट्स के लिए, इंटर आर्ट्स, तो आपको अपना मैट्रिक्स का डिटेल्स यहाँ पे भरना होगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स में क्या क्या भरेंगे तो वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले किस ईयर जो है आप लोग पास हुए थे। ठीक है, यहाँ पे आपको बोर्डिंग नेम लिखना है, बोर्ड का नेम, जैसे BSEB लिख देंगे या फिर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लिख देंगे अगर आप बिहार के बोर्ड से पास हुए। उसके बाद मैट्रिक क्लास एक रोल कोड लिखना है, यहाँ पे आपको रोल कोड लिखना है। उसके बाद जो है आपको रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे पासिंग ईयर लिखना है। ठीक है, रोल कोड रोल नंबर अच्छे से जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल भी आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, गलत नहीं करना है, नहीं तो एक बार गलती हो जाने से जो है पूरा बर्बाद हो जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पासिंग ईयर लिख देना है। उसके बाद जेंडर में अगर आप लड़का हैं तो मेल, लड़की हैं तो फीमेल, या अदर हैं तो अदर डाल देना है। ठीक है, कास्ट कैटेगरी में आ जाता है, अगर जनरल है तो इसमें EBC या BC है तो, या फिर SC ST है तो इसमें कर देना है आपको। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे हम लोग। उसके बाद जो है कास्ट कैटेगरी हो गया, ये जो है ये आपको नहीं भरना, अगर आप में कुछ जो है कुछ मान लीजिए आपका कुछ आपका अंग जो है वो ख़राब है तो उसमें आपको यस करना है, अथवा आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, नेशनलिटी में इंडियन डाल देना है क्योंकि सारे लोग तो इंडियन ही हैं। रिलीजन जो भी आपका हिंदू है, मुस्लिम है या जो भी है तो वो सब आपको डाल देना है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं आगे और कौन सी डिटेल्स दी गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है कृपया आधार नंबर अंकित करें। ठीक है, आधार नंबर यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए मेरा कुछ भी आधार नंबर का नेम है उसे मैं यहाँ पे ऐसे करके जो है पूरा फिल कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे आधार नंबर अपना देना है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, गलत घोषणा नहीं की गई है, देखिए यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन मांग रहा है आपसे। ठीक है, कि आपने जितने भी डिटेल्स ऊपर में फिल किए वो सब सही है या फिर नहीं, तो अगर आपका सही है तो आपको यहाँ पे अपना जो है सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद और भी आगे देख लेते हैं आगे क्या डिटेल्स दिया गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है इसके बाद है आपको रोल कोड डालना है, रोल नंबर डालना है, पासिंग ईयर डालना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एरिया डिवीज़न जो है, मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है, यहाँ पे ईमेल आईडी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको हिंदी में सब कुछ डालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट नेम इन हिंदी, मदर नेम इन हिंदी, फादर नेम इन हिंदी, सब कुछ आपको हिंदी में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका नाम है वो सब आपको हिंदी में लिखना है अच्छे से। ठीक है, मैं आपको करके बता रहा हूँ। उसके बाद जो है एड्रेस इन इंग्लिश, तो आपका एड्रेस लिखना है, जैसे आप जहाँ पे भी रहते हैं। ठीक है, वहाँ का एड्रेस आपको डाल देना है अच्छे से, पिन कोड वगैरह सारा कुछ। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। स्टूडेंट का यहाँ पे अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है, मैरिड है अगर तो आप मैरिड में क्लिक करेंगे, या फिर स्टूडेंट हैं, मैरिड नहीं हुआ है आपका, आप शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड में क्लिक करेंगे। ठीक है, IFSC यहाँ पे अकाउंट नंबर, अगर कुछ स्कॉलरशिप वाला आता है तो उसके लिए है ये अकाउंट नंबर, और जो है आपका, ठीक है, और IFSC कोड आपको डालना होगा। उसके बाद लास्ट जो है आपका इसमें है आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछा जा रहा है, जो मोल होता है, ठीक है, तिल जिसको बोलते हैं आप लोग हिंदी, तो वो आपका कहाँ कहाँ, या फिर कट वर्ड का निशान है जो परमानेंट हो जो दिखे उसको आपको कर देना है। ठीक है, अब यहाँ मीडियम पूछा जा रहा है कि आप जो एग्ज़ाम में बैठिएगा तो किस मीडियम से आप एग्ज़ाम दीजिएगा, तो अगर आप हिंदी मीडियम से तो इसको सेलेक्ट करेंगे और इंग्लिश मीडियम से तो इसको। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं आगे और क्या क्या है। अब देखिए यहाँ पर आ गया आपके पास ऑप्शन सब्जेक्ट चूज़ करने का। ठीक है, सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन आ गया है, सब्जेक्ट डिटेल्स विथ देयर न्यूमेरिकल,
ठीक है, न्यूमेरिकल कोड्स ठीक है। यहाँ पे कोड दिया गया है तो आपको हिंदी इंग्लिश जो भी कंपलसरी, यहाँ पे अरबिक पैड सारा कुछ है ठीक है, ये सबको सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप लैंग्वेज लेना चाहते हैं ठीक है। उसके बाद होम साइंस, फिलोसफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, ज्योग्राफी ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पे है ठीक है। एडिशनल भी अगर आप लेना चाहते हैं, नीचे एडिशनल का भी इतना सारा ऑप्शन दिया गया है ठीक है, वो भी आप ले सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे क्या है। अब फिर से देखिए, यहाँ पे आपका पेरेंट्स का सिग्नेचर लगेगा ठीक है, स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी, स्टूडेंट सिग्नेचर इन इंग्लिश ठीक है। आपको यहाँ पे अपना जो है हिंदी में करना है ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको इंग्लिश में करना है। सिग्नेचर फुल सिग्नेचर कीजिएगा ठीक है, जो भी आपका नाम है तो आप लोग उसको जो है फुल कीजिएगा कुमार के साथ ठीक है। उसके बाद लास्ट में एक और डिक्लेरेशन है ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल का होगा आपका ठीक है, यहाँ पे किसका होगा, प्रिंसिपल का होगा, और ऐसे जो है आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं टेंथ का या इलेवेंथ में ही जो है क्या बोलते हैं आर्ट्स का हो गया तो साइंस और कॉमर्स का कैसा रहेगा, तो बस यहाँ पे जो है ना आपका सब्जेक्ट का चेंजेस रहेगा उसमें ठीक है। तो वो भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ साइंस और कॉमर्स के लिए और मैट्रिक के लिए ठीक है। तो चलिए हम लोग साइंस का ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है आपका साइंस फैकल्टी के लिए आ गया है ठीक है। अगर आप साइंस स्ट्रीम चूज़ किए हैं तो यहाँ पे भी बिल्कुल सारा कुछ जो है सेम ही रहने वाला है, बस आपको सब्जेक्ट में जो है डिफरेंस नज़र आएगा। चलिए वो सब्जेक्ट के पास लेके चलते हैं ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ सब्जेक्ट में आ गया आपका डिफरेंस ठीक है। यहाँ पे रहेगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी साइंस का सब्जेक्ट रहता है वही आपको इसमें देखने को मिलेगा ठीक है। बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स ठीक है, बाकी सारा कुछ जो है सेम ही रहेगा। यहाँ पे एडिशनल भी बहुत सारा है ठीक है साइंस के दृष्टिकोण से ठीक है। उसके बाद इसके नीचे भी सब कुछ सेम ही रहेगा ठीक है। तो ये था साइंस के लिए। अब जो है क्लास टेंथ पे हम लोग चलते हैं ठीक है। टेंथ के लिए कौन सा है, देखिए ये वाला जो फॉर्म आपके सामने खुलकर आया है ये क्लास टेंथ के लिए है ठीक है। वो इंटर के लिए था, इंटर साइंस और आर्ट्स मैंने आपको दिखा दिया है ठीक है। ये जो है ये है क्लास टेंथ के लिए। अब इसमें देखिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ईयर, BSEB, यूनिक ID, स्टूडेंट कैटेगरी ठीक है, स्कूल कोड, स्कूल नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम ठीक है, स्टूडेंट नेम, इस सबको आपको फिलअप करना है। उसके बाद जो है मदर्स नेम, फादर्स नेम ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कास्ट कैटेगरी डिफरेंट ठीक है, ये जो हो गया, नेशनलिटी हो गया, रिलीजन हो गया, ये सारे को आपको फिल कर देना। अब बात करते हैं कि इसमें जो है सब्जेक्ट में आपको कहाँ पे चेंजेस नज़र आएगा। यहाँ पे भी वही आधार कार्ड हो गया, सारा कुछ सिग्नेचर विग्नेचर सारा कुछ सेम ही रहने वाला। डिफरेंस आपको कहाँ पे मिलेगा ठीक है, डिफरेंट आपको मिलेगा सब्जेक्ट में ठीक है। देखिए यहाँ पे हिंदी, संस्कृत, मैथ, उर्दू, ये सब आ गया जो जो आपका क्लास टेंथ का जो है सब्जेक्ट है ठीक है। उसी तरह आगे चलते हैं और क्या क्या है ठीक है, और कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा जिसमें फॉर्म में जो भी भरना था डिटेल्स, वो सारा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है ठीक है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने जो है आप सभी को ठीक है, आप सभी को जितने भी एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में जो भी डिटेल्स था ठीक है, वो मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है ठीक है। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको सीनियर सेकेंडरी जो है बिहार बोर्ड का जो है सीनियर सेकेंडरी हो गया आपका इंटर के लिए, और secondary.biharboardonline.com जो है ये है आपका टेंथ के लिए, तो उसमें जाकर आप लोग पूरा डिटेल्स जान सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सीधा वेबसाइट पे लेके चलता हूँ ठीक है। देखिए आप लोग जैसे ही जो है अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर लैपटॉप कंप्यूटर में जैसे ही secondary.biharboardonline.com लिखेंगे तो आपके सामने जो है एक वेबसाइट आएगा, उसको आप लोग को क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ देखिए सबसे पहला ही है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन, तो इसको जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है आ जाएगा फॉर्म खुल के ठीक है। और अगर आप लोग क्लास 12th में हैं तो आपको जो है सीनियर सेकेंडरी बिहार बोर्ड onlinecom में सर्च करना है और यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा ठीक है। और उसको आप लोग जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा ठीक है। एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे आ गया है दूसरे नंबर पे ठीक है। उसके बाद क्लिक हेयर टू इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन, ये 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी आ गया है, तो उस पर भी जो है मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बनाकर डाल दूंगा ठीक है, जिससे आपको किसी भी तरीके का परेशानी ना हो ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और भी अगर आप चाहते हैं ऐसे न्यूज़ को सबसे पहले पाने के लिए ठीक है, तो आप इस चैनल को चाणक्य स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर ले ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि जो भी रिलेटेड जिस जब भी सब कोई भी न्यूज़ आएगा तो उसे जो है मैं आप सबों के बीच लाता रहूँगा ठीक है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच भी जो है इसे शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ठीक है। और अगर अभी तक आप लोग जो है आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं ठीक है, व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वीडियो के नीचे में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ठीक है। चलिए धन्यवाद।